हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं में हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना आदि शामिल थे। अब नजर डालेंगे महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रेय कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को झिरमिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन, विजेता, अरहत, पूज और निर्गंध बंधनहीन कहलाए। अब जान लेते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। ऋषभदेव ये प्रथम जैन तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ ये द्वितीय जैन तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव तृतीय जैन तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श्व ये सप्तम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति ये 16वें जैन तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। अरनाथ ये 18वें जैन तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी ये 21वें जैन तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अरिष्टनेमी ये 22वें जैन तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ ये 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। अब नजर डाल लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर बन गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुके एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गए। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय और अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया तथा जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष तथा चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक आईएएस को।